नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, हमारे भारत देश में लगातार हर दिन बड़े बड़े हादसे और दुर्घटनाएं होती रहती है। इस बीच एक बड़ी रेल दुर्घटना की खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, प्रयागराज से हावड़ा जा रही ट्रेन के 8 डिब्बे रेल पटरी से उतर जाती है। उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान और परेशान कर सकती है। दोस्तों, आखिरकार इस रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? भारतीय रेल में हो रहे इस रेल हादसे पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है? दोस्तों, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करें तो ये बड़ी रेल दुर्घटना प्रयागराज से हावड़ा जाने वाली मालगाड़ी के साथ हुई है। दरअसल दोस्तों, होता यूँ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के डफरपुरवा गांव के पास आज यानी बुधवार की सुबह 8:40 पे ये बड़ा रेल हादसा हो जाता है, जिसमें इस मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर जाती है। 8 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन जाता है। मिली जानकारी के अनुसार ये मालगाड़ी ट्रेन प्रयागराज से हावड़ा की ओर जा रही थी। तभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले ही मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर जाती है। इससे रेल पटरी भी 200 मीटर तक बर्बाद हो जाता है। इस बड़ी रेल दुर्घटना मामले की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी रेल दुर्घटना किस कारण से हुई है। इस दुर्घटना के बाद कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। तो दोस्तों, इस बड़ी रेल दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।